اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي मेरी बीवी बदअखलाक है मैं क्या करूं, शरीयत की रोशनी में बताएं। सब्र करें, सब्र और क्या कर सकता है भाई। तू बेगम को समझाएं अखलाक पर। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनाएं, वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह अखलाक पर बात करते हैं, तो उनको उनके बयान भी सुनाएं। वाह, ज़बान ऐसी चीज़ है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़बान की जो खेती है ना वो ऊँधे मुँह इंसानों को जहन्नम में डालेगी। अच्छा मसला पता है क्या है, ख़वातीन में जो ज़्यादा फॉल्ट होता है वो नाशुक्री का और मर्द में बदअखलाकी का। घरों में ज़्यादा 100% नहीं, ज़्यादा जो घरों में मसाइल चल रहे हैं ना, मर्द तमीज़ से बात नहीं करता, गुस्सा एकदम हाइपर हो जाते हैं बात बात पे, और ज़रा ज़रा सी बात एकदम जैसे चंगेज़ खान घर में दाखिल हुआ हो। और औरत में जो बड़ा फॉल्ट है, जो हदीस से भी साबित है और मुशाहदे पर भी, ज़्यादातर सब नहीं भाई जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा, नाशुक्री। वही है ना कि यार तुम यूरोप में देखो यार, आधे आधे मर्द 5 रुपये खर्च नहीं कर रहा वहाँ पर। तुम्हारा मियाँ तुम्हें घर लेके दिया हुआ है, तुम्हारी इज्जत है उसकी वजह से, तुम मियाँ वाली कहला रही हो। किसी ने कहा कि इमरान खान का ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, तो बीवी भी मियाँ वाली लेकर आया है मतलब ये कि जिसका पहले मियाँ था। तो क्या कह रहा था यार मैं, इधर किधर चला गया। तो ख़वातीन में जो ज़्यादातर बड़ा फॉल्ट है वो क्या है, नाशुक्री। असल में इंसान नाशुक्री पता है क्यों करता है, जब वो अपने से बरतर को देखता है। अपने से कमतर को देखोगे ना तो शुक्र की तौफीक मिलेगी। जो ख़वातीन मियाओं की नाशुक्री करते हैं ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं दिया है, तो भाई अपने से झुगियों में जाके देखो, कमतर औरतों को देखो। बहुत से गरीब घरों में औरतें मार भी खाती हैं, मर्द ऐसे जालिम होते हैं। वो मर्द अपनी बीवियों से काम भी लेते हैं, यानी घरों की सफाई का। ये बेचारी बाज मासियाँ बड़ी ये बाज़ मासियाँ बड़ी मज़लूम होती हैं, और भी उनसे काम भी खिदमत भी लेना, और यानी कमा भी के भी वही ला रही हैं, और मारती पीटती भी हैं, कहीं जा नहीं सकती, कहीं ठिकाना नहीं है उनका। तो आपको अल्लाह ने मियाँ दे दिया एक अदद जो आपके नान नफ़े का बेसिक नान नफ़ा ज़रूरी है ना मर्द पे, बाकी तो गरीबी हैं। गरीबी तो जितनी अच्छी हो अच्छा है, लेकिन उसका मुतालबा नहीं हो सकता। अब मियाँ हफ्ते में एक दफ़ा आउटिंग के लिए लेके जाता है, ये गरीबी है, ये मर्द पर वाजिब नहीं है। साल में 4 जोड़े मर्द पर लाजिम है कि वो लेके दे बीवी को, 4 जोड़े। 5वां शोहर पे लाजिम नहीं है, लेकिन मियाँ बना के दे रहा होता है 10, और देना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, वो 4 जोड़े किस स्टैंडर्ड के होंगे, वो उस स्टैंडर्ड के होंगे जिसका बीवी जिस घर से आई है। औरत का जो ख़ानदान का स्टैंडर्ड है ना, उस स्टैंडर्ड के आप साल में 4 जोड़े लाजिम है मर्द पर, लेकिन मियाँ अक्सर बोलते क्यों नहीं भाई बना के दे। ये बाज़ उलमा कहते हैं 3 वाजिब हैं, लेकिन गुंजाइश यानी और ज़्यादा अच्छा सलूक हो तो 4 वाजिब हैं, इससे ज़्यादा लाजिम थोड़ी है। लेकिन बना के देते हैं मर्द, ज़्यादा ही दे रहे होते हैं, और देना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन औरत उस पर लड़ नहीं सकती। ख़वातीन ये समझती हैं कि गरीबियाँ हमारा हक हैं। आज इतवार है, आउटिंग के लिए क्यों नहीं गए, बाहर होटल पर खाना क्यों नहीं खिलाया। भाई ये मोहब्बत से कहा जा सकता है, इसमें आपके पास लड़ने का ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, फिर ये ज्यादती हो जाएगी। ग्रेवी आपने मंगवा ली यार, ठीक है, ग्रेवी ले आया होटल वाला, आप कह रहे हो यार एक और ला दो। हम तो कहते हैं होटल वाले से, यार रोटी बेवा हो गई है, बच गई है ना रोटी, वो सालन ला दे, थोड़ा सा साफ कर लेगा। लेकिन अगर होटल वाला नहीं ला रहा, आप जाओ भाई, तू देगा कि नहीं देगा, होटल वाला भाई चल निकल यहाँ से, तू मेरा बाप है। तो ये मसला घरों में हो रहा है कि ख़वातीन क्या करने लगी हैं, वो बहुत सी चीज़ों का अपना राइट समझने लगी हैं। अब प्रॉपर तरीके से 3 टाइम का खाना मर्द के ज़िम्मे है, नाश्ता हो गया, दोपहर खाना हो गया, वो स्टैंडर्ड का खाना हो, स्टैंडर्ड का खाना हो। डिफेंस से आप लड़की लेकर आए हो और उसको रोज़ाना मसूर की दाल खिला रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड का खाना नहीं। हाँ, किसी गरीब इलाके से लाए हो तो मसूर की दाल भी स्टैंडर्ड है,
اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا، ٹماٹر ڈال دیا، تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے تین ٹائم پہ، صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ گریوی ہے، کرنا چاہیے، لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں، نہیں بنتی، اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں۔ میاں کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس نے، اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے، بھائی جہاں بھی جانا ہے، ٹیکسی کا کرایہ دے دیا، رکشے کا کرایہ دے دیا، ٹھیک ہے، گاڑی خرید کے دینا لازم، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے سیل فون لے کے دو، مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ لے کے دو۔ پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا، غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے، درمیانہ آدمی درمیانے، اور پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے، گنجائش دیا لے جائے، لیکن لڑنا نہیں بنتا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر، اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں ہے، بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ، اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو نہیں دے رہا میں، یہ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہیں تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا، سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں، جب بھی گھر والوں نے اماں کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں، الحمد للہ ہم تو تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے، بولے بھائی میں نہیں دے سکتا، میں مہینے میں ایک دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا، اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا، تو مرد کو یہ حق ہے۔ اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ، کیونکہ پھر تو لامحدود حقوق کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا۔ اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیے، وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے، دینی چاہیے۔ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں، اپنی مرضی سے خرچ کرے، اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے، لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے، دو بھائی، لڑ رہی ہیں آج کل، جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ لڑ رہی ہیں، بھائی دو اور اتنے پیسے دو مجھے، یہ لازم نہیں ہے۔ تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے، پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے، پھر علیحدگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر مجھے پر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا، ظلم کیوں کیا، وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا تھا، پھر تو چھوڑ کے اچھا کیا، صحیح ہے نا؟ اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیحدگی کے بعد وہ نہیں ملیں گے، تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی، اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے، تو یہ خواتین کا فالٹ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے، شوہر کی ناشکری، تو ناشکری نہ کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ دوسرا، مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے، وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے، وہ سمجھے بھائی اس کا ایک، یہ میری غلام اور لونڈی نہیں ہے، اس کو عزت دینی ہے، تمیز سے بات کرنی ہے، بیگم آئیے بیٹھیے کھائیے پلیز کائنڈلی، چائے بنا کے مل جائے تو بہت، اس طریقے سے بات، اوے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں، چائے لے آؤ، تیری وہ تھائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے، یہ کس کو پلائے گی، میں کہوں پینڈو ہوں، یہ اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں، چائے چینی، میں کہ شوگر کا مریض ہوں، یہ کیا بنا کے لائی ہے یہاں سے، ایسے کر رہا ہوتا ہے آدمی، تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے۔ بعض بچے پریشان ہوتے ہیں، ابا جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینشن، اپنی تعریفیں منہ سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی، ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ابو آ رہے ہیں، تو میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں، گھر والے خوش ہوں آپ کے آنے سے، آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے، لیکن گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں، میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں، باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے اللہ کا، اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں، آپ کوئی غلط نہ سمجھیں۔ تو باپ گھر میں آ رہا ہے، بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں، ابا آ گیا یار، فل ٹینشن ہوتے ہیں نا بعض ابا، جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے، ٹینشن بن کے آئیں گے، یہ کیوں پڑا ہے، یہ کیوں سو رہی ہے، اللہ تمہاری ہے تمہیں، چلو یہاں دی ہر وقت، بس بھائی گھر میں جاؤ یار، تھوڑا ہنسی مذاق گپ شپ اچھے انداز سے نصیحت کرو، محبت سے سمجھاؤ، بیگم 12 بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے۔
बेगम मुझे आपका 12 बजे तक सोना, बिल्कुल इसको थोड़ा सा 12:59 कर लो, थोड़ा सा तो इम्प्रूव करो ना इस जागने को, 11:59 कर रहा हूँ, एक मिनट मेरी खातिर, मैं तुम्हारा मियाँ हूँ, मैं गैस बिजली का बिल देता हूँ, मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, यानी खर्चा तो मैं ही दे रहा हूँ, तो मेरी खातिर इसको एक मिनट पीछे ले आओ, इस तरह एक एक मिनट करके इंशाल्लाह। तो मसला आदमी के साथ ये है कि तमीज़ से बात, मर्द अपना अखलाक दुरुस्त कर ले, यानी बात तमीज़ से किया करे, इज्जत दे औरत को, तो और औरत नाशुकरी ख़त्म कर दे, वो कहे कि आप जो मुझे दे रहे हो मेरा इतना बनता नहीं है, अल्लाह ने आपको बड़ा दिल दिया है, और मियाँ अगर गरीब है तो गुरबत में थोड़ा उसको ताने ना दे, वो जानबूझकर अल्लाह की कसम गरीब नहीं है, ठीक है, कोई खुद से गरीब, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा भाई, जितना हो रहा है कंप्रोमाइज़ करो यार। देखो एक आदमी की बात बज़ाहिर थोड़ी सी अखलाक के मैयार के मुताबिक नहीं है, लेकिन बात ठीक है, उसने कहा बीवी में और तवाइफ में फ़र्क होता है, तवाइफ को जब तक पैसे दो खुश रहती है, पैसे बंद चली जाए, बीवी इसको नहीं कहते, बीवी दुख दर्द में आपका साथ देती, आप मालदार हैं तो भी आपके साथ, गरीब हैं तो भी आपके साथ, कोई बात नहीं भाई, आप भी सूखी रोटी खा रहे हैं तो हम भी शरीक हयात, तो इट इज़ कॉल्ड शरीक हयात, ज़िंदगी में शरीक है ना, ये कैसी बीवी है यार, जब पैसा था तो आपके साथ है, जब तंगी आ गई ताने दे रही है, तो मज़ेदार हिसाब किताब नहीं हुआ ना, ये तो वफा वाली बात तो ना हुई, जैसे मर्द अगर बीवी जब तक खूबसूरत है साथ है, खुदा ना ख्वास्ता उसको लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो इज्जतदार आदमी छोड़ता तो नहीं है ना ऐसी औरत को, हमने तो देखा इज्जतदार लोग खिदमत कर रहे होते हैं यार, उसको लकवा हो गया, उसको फालिज हो गया, उठा उठा के घूम रहे हैं अस्पतालों में, दुआएँ मांग रहे हैं, इमाम साहब से दुआएँ करवा रहे हैं, तो ये इज्जतदार होने की अलामत है ना भाई, खूबसूरत थी तो भी अच्छी थी, अब आड़ी तिरछी हो गई है किसी वजह से, तो भी अब क्या है भाई, बीवी है भाई, अब तो वफा का शरीक हयात का तो मतलब ये जीना मरना एक साथ है, तो ऐसे ही मियाँ भी अगर मालदार था तो भी मियाँ है, गरीब हो गया तो भी क्या है, मियाँ है, गुजारा करो, जन्नत जो है ना ख़ानदानी लोगों को मिलेगी, याद रखो, गैरतमंद लोगों को मिलेगी, बेगैरतों के लिए अल्लाह ने जन्नत नहीं बनाई, तो सारी खुशियाँ वहाँ मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ के हिसाब से चलना पड़ता है, गैरत पे सौदे अगर करने हैं तो फिर भाई चोर डाकू बन जाओ यार, क्या ख्याल है, फिर तो चोरों डाकुओं के बड़े मज़े होते हैं, तो गैरत पे ही तो सौदा नहीं करना ना, तभी तो इंसान उसूल और ज़ाब्तों के लिहाज से ज़िंदगी गुजारता है। मेरी बीवी बहुत बदतमीज़ है, ये हो गया ना, ये दूसरा है, और दूसरी बहुत ख्याल, मेरी एक बीवी बहुत बदतमीज़ है और दूसरी बहुत ख्याल रखती है, चाहिए अलग, अब हुकूक में क्या करूँ, दोनों के हुकूक तो बराबर होंगे, चाहे देखो ये बड़ा फॉल्ट है, मसला ये है कि आपकी एक बीवी बदतमीज़ है दूसरी बदतमीज़ नहीं है, तो आयन मुमकिन है जो बदतमीज़ है उसमें कोई अलग खूबी हो, तमीज़ वाली में वो खूबी ना हो, ये बहुत होता है, ऐसे केसेस हमारे पास आए, बदतमीज़ थी छोड़ दिया तो वो दूसरी शादी की वो तमीज़ ही है उसके पास, इतनी तमीज़ है बाकी किसी काम की नहीं है वो, ठीक है ना, एक्सक्यूज़ मी करके बात शुरू करती, एक्सक्यूज़ करके, बाकी वो खिदमत ही नहीं करने कर रही, बच्चों को नहीं, बास बदतमीज़ बीवी हैं, बच्चों को ऐसा तमीज़ से पाला हुआ होता है उन्होंने, मैं तो बहुत तजर्बा है, मेरा जितनी उम्र है उससे ज़्यादा मेरे तजर्बे हैं, हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं, बाज़ औरतें बदतमीज़ होती हैं, शोहरों को कैप्चर किया हुआ होता है, उन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ होता है, फिर रोब, लेकिन बच्चों की बड़ी ख़ानदानी तरबियत कर रही होती हैं, क्योंकि जिसने मियाँ को कंट्रोल किया हुआ है बच्चे कंट्रोल से बाहर नहीं होते, बच्चे इंसान के बच्चे बनते हैं उसके, और बाज़ बड़ी खुश अखलाक, थैंक यू, बच्चों के लिए भी इतनी पोलाइट हैं कि बच्चे चरसी हीरोइनची बन गए, वो बच्चों को डांटती भी नहीं है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत बता रहा हूं, तो वो बदतमीज ज्यादा अच्छी थी ना, कम से कम बच्चे तो सही हो गए ना उसके, वो रोप से बच्चों को भी पाल लिया उसने भाई, बच्चे भी बहुत एक नंबर बच्चे, क्योंकि माँ आजकल बच्चे बाप का काम नहीं है संभालना, बच्चे संभालते हैं किससे, बाप सिर्फ वो क्या करता है, निगरानी करता है, जैसे शेर जो है ना, शेर जंगल में आप कभी देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, जंगल में ना जाएं आप शेर देखने के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी कि ये लकड़ बकड़ टाइप के होते हैं ना, ये जो आते हैं हमला करने, होता पता है क्या है, जैसे शेर बैठा हुआ है, शेरनियाँ, बहुत सारी शेरनियाँ होती हैं, इकलौता शेर होता है, बहुत सी चीज़ों में शेर हमसे बहुत अच्छा है, तो शेरनियाँ बैठी हुई होंगी, ये आप देख ले जाके, नेट पे मिलेगी ये,
होता क्या है, कोई भी लकड़ बकड़ इस टाइप के लोग आए शेर को, बहुत ज़्यादा जब ये गौल बना के आते हैं तो शेरों पे भी हमला करते हैं ये। शेर बैठा हुआ है आराम से, शेर शिकार भी नहीं करता, पता है आपको, बैठा रहता है आराम से, सारे काम शेर नहीं कर रही होती है। इसलिए शेर शिकार नहीं करता कि वो सुस्त है, वो कहते हैं ये छोटे मोटे शिकार चूहे बिल्ली और ये इधर से हिरन विरन को पकड़ के, ये बेगम तुम करो, क्योंकि अब घर में बेगम ने ना खाना पकाना है उसकी, शेर की बेगम ने ना पोछा लगाना है, ना बच्चों के पैंपर चेंज करने हैं, तो वो कहता है अब ये छोटे मोटे शिकार कौन करना है, तुमने करना है, आराम से पड़ा रहेगा उस टंडों की तरह बस। और शेर नहीं सारे शिकार कर रही होती है, वहाँ से कुछ हिरन पकड़ के ले आई, शेर आखिर में आके धोने वाले खा लेता है। शेर मसला जब करता है जब कोई बड़ा मसला हो, यानी शेर फिर एक्टिव होता है। तो आप डॉक्यूमेंट्री देखें, पता नहीं उसमें सर्च करने से क्या क्या सर्च करके लिखना मुझे याद नहीं अभी, तो शेर वो लकड़ बकड़ हमला कर रहे हैं और शेर कुछ भी नहीं कर रहा, वो शेरनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शेर आराम से ना सो रहा है बैठा। बहुत देर के बाद जब शेर को हुआ ना कि कुछ हो रहा है, तो एक आंख खोली उसने यूं करके, यानी उसको इस पे भी टेंशन हो रही है कि दो आंख खोल के मैं ये मंजर क्यों देखूं। यानी वो कह रहे हैं जब एक आंख से भी नजर आ सकता है यूं करके, तो दोनों आंखें खोलने की तकल्लुफ की, यानी लकड़ बगड़ को लिफ्ट ही नहीं करा रहा ये, उसको ये पैसे देना चाह रहा है कि ये जो तू आ रहा है ना और ये जो मेरी शेरनी को खाने की कोशिश कर रहा है, मैं तेरे जैसे घटिया और नीच आदमी को दो आंखें खोल के भी नहीं देखूंगा। तो एक आंख से खोल के ना ऐसे करके यूं करके देखता है, फिर यूं करके दोबारा फिर सो जाता है, कि वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब ज्यादा मसला हो गया ना, ना दौड़ रहा है, ना हू हा हा कर रहा है, कुछ भी नहीं, वो लकड़ बगड़ ने घेर लिया शेरनी को चारों तरफ से, जब इसने देखा कि यार ये शेरनी वाकई कमज़ोर पड़ गई है और ये इसको खा जाएंगे, कुछ भी नहीं, ये नहीं कि धाड़ा और हा झपटा, आराम आराम से ना खरामा खरामा, जैसे पहले ज़माने में दुल्हन रुख्सत होकर घर जाया करती थी शोहर के, इस तरह से जा रहा है आराम से, करीब जाके पटाख करके एक लगाया उसको लकड़ बकड़ को ना वो सारे चीखते हुए भागे और फिर आराम से आगे दोबारा हुए, दोनों आगे बंद करके। ये वाकया मैं सुना किस पे रहा था, ये तो मैं भूल ही गया, ये शोहर पे तो सुना रहा था, शोहर की कौन सी अदा पे इतना प्यार आया मुझे जो मैं ये वाकया सुना रहा हूं है? हाँ तो हाँ मैं ये कह रहा था कि पालती तो औरतें ही हैं, तरबियत भी औरतें ही, मर्द का काम शेर, बस वो हालात का जायजा। अब स्कूल बेचारी हमारी बच्चों की जो माएँ हैं वो बच्चों को सुबह स्कूल भेज रही होती हैं, नाश्ता वो बना के दे रही होती हैं, शाम को बच्चा टाइम पे घर आया नहीं घर आई, टेंशनें कौन लेती हैं, माएँ लेती हैं, सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। मर्द होता है वो सारा ओवरऑल सबकी क्या कर रहा है, निगरानी, कोई खुदा न खुदा सुट्टा तो नहीं लगा रहा है, ज़्यादा बड़ा केस होगा तो फिर किसकी अदालत में आता है, मर्द की अदालत में आता है। भाई आपको पता ही नहीं आपका बच्चा तो चर्सियों में बैठ रहा है और मेरे से नहीं संभल रहा, फिर आदमी जाके चित्रौल लगाता है। लेकिन ज़्यादा आजकल के हिसाब से माओं से बच्चे ज़्यादा अटैच हैं, तरबियत का दखल में माओ का ज़्यादा, ख़ासतौर पे जब बच्चा जब छोटा होता है। तो मैंने देखा है बाज़ औरतें बड़ी बद अखलाक हैं, बहुत रोब है मियाओं पर, मगर ये रोब बच्चों पर भी होता है जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, और बाज़ बड़ी पोलाइट होती हैं, बड़ी नरम मिजाज होना चाहिए, नरम मिजाज ही अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बच्चों के लिए भी इतनी नरम मिजाज है कि बच्चे क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। बच्चे जब पैसे मांग रहे हैं उनको पैसे पकड़ा रही हैं, और जो मांगते जाए उनसे रुकती नहीं है, वो देते दे के बच्चे बिगाड़ दिए उन्हें। तो इसलिए असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, कुरान कहते हैं बाज़ दफ़ा तुम्हें एक चीज़ नापसंद होती है लेकिन उसमें अल्लाह ने खैर रखी हुई होती है। तो आपकी एक जोजा अगर बद अखलाक है एक खुश अखलाक है, तो दोनों के हकूक बहरहाल बराबर ही हैं, हकूक में कमी फ़र्क नहीं।